हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंटर फैक्ट यूट्यूब चैनल। राम मंदिर को लेकर इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि 5 राज्यों ने ऑलरेडी गवर्नमेंट हॉलीडे डिक्लेयर की है। उनमें से नाम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़ और हरियाणा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि विराट कोहली तीसरा क्रिकेटर है जो कि प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में टाक पाई है। उनमें उस लिस्ट में नंबर 2 पे है महेंद्र सिंह धोनी और नंबर 1 पे है सचिन तेंदुलकर। काफ़ी सारे एक्टर और एक्ट्रेस को भी इनवाइट करा गया है और उनमें से बहुत सारे टॉप टॉप एक्टर एक्ट्रेस के अलावा भी अनुष्का शर्मा भी है। लेकिन पब्लिक हॉलीडे को लेकर एक खबर आ रहा है कि इस 5 जो राज्य पहले मैं बता चुका हूँ उस राज्यों में ऐसे हॉलीडे है, लेकिन बाकी सारे राज्यों ने 22 जनवरी को क्या करने वाले हैं वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन केंद्रीय सरकार ने सभी मतलब जो स्टेट है उनको रिक्वेस्ट की कि उस दिन एक पब्लिक हॉलीडे घोषित करने के लिए। लेकिन ऑफिशियली सेंट्रल गवर्नमेंट सभी स्टेट को फोर्स कर सकते हैं या नहीं वो तो समय बताएंगे। लेकिन 22 जनवरी को टोटल मतलब पूरा का पूरा देश से अभी से ही अयोध्या जाने के लिए सब लोग तैयार हो चुके हैं और बासों बासों में भर भर कर जा रहे हैं। तो उस दिन इंडिया के लिए एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। तो राम मंदिर को लेकर हर एक छोटी बड़ी अननोन फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।